नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. इफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. x इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मुझे वैल्यू गिवन है. जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की फाइंड करनी है. तो मैं अब 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करती हूँ. x तो ये गिवन है, 1 अपॉन x ये हो गया. डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया. 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 इंटू समथिंग वही टर्म आ जाएगी. डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी यूज की हमने डिनोमिनेटर में. a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या वैल्यू आई, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इज 1. तो इसकी वैल्यू आई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो मेरे पास x गिवन था 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 अपॉन x की वैल्यू आई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. यहां तक क्लियर? अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हमें देखें, हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है. अब यहां पे अगर मैं देखूं x से x कैंसिल हो रहा है, मुझे वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो किसके इक्वल होगा, x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर. ये 2 इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और मुझे इसकी वैल्यू तो फाइंड ही करनी है. तो यहां मैं पुट कर सकती हूँ x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 2. स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2, तो इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो कितनी आई, 14. तो ये 14 वैल्यू किसकी आई है, सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40. क्लियर कैसे किया, x की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की वैल्यू रैशनलाइज किया, 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड कर ली. x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर माइनस 2. ये कहां से आया, हमने ये आइडेंटिटी यूज की, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. x की वैल्यू पता है, 1 अपॉन x की पता है, पुट किया सॉल्व किया, 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 40. क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में x क्या गिवन है, 3 माइनस 2 रूट 2. तो ये मैं आइडेंटिटी यहां पे लिख रही हूं जो हमने यूज की है, x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. मुझे वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर माइनस 2. सेकेंड पार्ट में x गिवन है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन x. सो 1 अपॉन x इज 1 अपॉन 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो रैशनलाइज करेंगे, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 इंटू दिस टर्म 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आप लिख सकते हो कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 3
plus 2 square root of 2, 3 square, 9. 2 ka square, 4. Square root of 2 ka square, 2. 4 2s are 8. And 9 minus 8 is 1. Ab mere paas value aa gayi 1 upon x ki bhi aa gayi. Aur x ki mujhe pata hai already. To yahan pe put karti hu. X kya hai? 3 minus 2 square root of 2. 1 upon x kya hai? 3 plus 2 square root of 2 whole square minus 2. Ek term positive aur ek negative. Exactly same terms hai. Opposite sign ke saath cancel ho gayi. 3 plus 3, 6 square minus 2. 6 square is 36 minus 2, 34. Therefore, x square plus 1 upon x square ki value kitni hogi? 34. Clear hai? नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8. x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8. 1 अपॉन x 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8. डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है, रैशनलाइज कर देंगे. 3 minus square root of 8, 3 minus square root of 8. 1 into this term. Denominator mein a plus b, a minus b. A square minus b square. Identity likhenge bracket mein, jo bhi hum use karenge. A plus b into a minus b. A square minus b square. Numerator mein 3 minus square root of 8. A square, 3 square 9. Square root of 8 square is 8. And 9 minus 8, 1. Ye mere paas value aayi 1 upon x ki. Put karte hain. X is 3 plus square root of 8. 1 upon x is 3 minus square root of 8. Square minus 2. Square root of 8 cancel. 3 plus 3, 6 square minus 2. 6 square, 36 minus 2, 34. तो x square plus 1 upon x square की value आ गई 34. Clear है ये question कैसा होगा? X की value हमें given है 1 upon x की value rationalize करेंगे, 1 upon x की value मिल जाएगी. उसके बाद ये वाली identity use करेंगे, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, इसकी value find करनी है. X plus 1 upon x whole square minus 2. X की value given है, 1 upon x की हमने find की, put करेंगे, solve करेंगे, minus 2, that is the answer.